हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आवर पॉलिटिकल साइंस कोर्स क्लास 9th चैप्टर 1st व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स आप लोगों ने डिस्कशन किया स्टोरी ऑफ मैक्सिको, इमरजेंसी इन इंडिया, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरीज क्या आया, मैक्सिको की स्टोरी से हमने क्या सीखा कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तो स्टोरी ऑफ मैक्सिको से आप लोगों ने ये लर्न किया कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए और करेंटली में यानी करंट में यानी प्रेजेंट में जो पावर में है अगर इलेक्शंस होते हैं तो उसके भी इलेक्शन हारने के यानी लूजिंग के चांस इक्वल होने चाहिए अपोजिशन के एंड जो पावर में गवर्नमेंट में है। इमरजेंसी इन इंडिया से आप लोगों ने उस स्टोरी से आप लोगों ने क्या कंक्लूजन किया, उससे आपने क्या लर्न किया कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रूल्स यानी शासन करना चाहिए लिमिट में रहकर और वो लिमिट्स क्या हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन गाइड करता है गवर्नमेंट को कि किस तरीके से गवर्नमेंट रूल करेगी कंट्री में, किस तरीके से सरकार वर्क करेगी, किसके लिए, पीपल्स के लिए। तो गवर्नमेंट को क्या नीड है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में रहकर वर्क करे वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए, जनता की भलाई के लिए एंड सिटीजन राइट्स, और जो लोगों को राइट्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने वो उसकी रिस्पेक्ट करे। ठीक है, तो इमरजेंसी इन इंडिया से ये स्टोरी हम लोगों ने सीखा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लिमिट में रहकर सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस लिमिट में अंडर रहकर वेलफेयर करना चाहिए, लोगों की जनता की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के लिए, अगेंस्ट पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होंगे और फिर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे जो डेमोक्रेसी के फेवर में होंगे, उससे कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, तो लेट्स फॉरवर्ड नाउ स्टूडेंट्स। अबाउट मी स्टूडेंट्स, आई एम सस्मित मौर, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एट योर स्कूल, आई मीन TD पब्लिक स्कूल अलीगंज एटा। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। हम लोग इतनी डिस्कशन कर रहे हैं डेमोक्रेसी का कंटिन्यू, तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, कुछ पॉइंट्स आप देखेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही है, डेमोक्रेसी में सारी चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लेड्स टू इनस्टेबिलिटी। तो डेमोक्रेसी का फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, की लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। लीडर, जो लीडर होता है वो कीप चेंजिंग, ये कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं लोकतंत्र में, इलेक्शंस होते रहते हैं और पावर में लीडर्स चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अस्थिरता आती, इनस्टेबिलिटी आती है। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई आप मना नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में लीडर्स चेंज होते रहते हैं, जनता जो पीपल को जो पावर मिली हुई है तो पीपल्स उस पावर का यूज़ करके लीडर्स को चेंज कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, दिस लेड टू इनस्टेबिलिटी। तो इससे अस्थिरता भी आती है कहीं ना कहीं डिसीजंस में, डेवलपमेंट में इसका असर पड़ता है। कोई बहुत ही अच्छा जो लीडर है, गुड लीडर है, जिसने अपने एरिया में बहुत सारा डेवलपमेंट कराया हुआ है, लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं तो जनता उसको निगलेक्ट कर देती है, ठीक है, इग्नोर कर देती है, जिससे कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी आती है। तो ये डेमोक्रेसी, तो ये आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी की बिल्कुल सही है, ये डेमोक्रेसी की चीज़ खिलाफ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट देखते हैं, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। तो नेक्स्ट हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है कि डेमोक्रेसी जो है इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। ये सिर्फ डेमोक्रेसी लोकतंत्र क्या है, सिर्फ इसमें पॉलिटिकल कंपटीशन होता रहता है, राजनीतिक
वर्चस्व रहता है, राजनीतिक कंपटीशन चलता है, पॉलिटिकल कंपटीशन चलता है, एंड पावर प्ले। ये एक पावर प्ले का गेम है डेमोक्रेसी, जिसमें ये कैसा खेल है, ये खेल है ताकत का। ये ताकत किसके पास रहेगी, यहाँ का पावर से मतलब है गवर्नमेंट किस पार्टी की रहेगी। तो हर पार्टी पावर में रहना चाहती है। जितनी भी हमारी अपोजिशन पार्टीज हैं या रूलिंग पार्टी इस समय जो भी हमारी है, तो हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टीज हमारे देश में है। तो सारी पार्टीज़ की यही इच्छा है कि वो पावर में रहें। और डेमोक्रेसी क्या है, तो यही राइटर कह रहा है कि डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी पूरा जो खेल है ये पूरा पावर का खेल है, पूरा ताकत का खेल है, और ये पॉलिटिकल कंपटीशन है। कंटिन्यू जो इलेक्शंस डेमोक्रेसी में होते रहते हैं, हर 2-3 महीने में किसी न किसी राज्य में इलेक्शन होते हैं, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीतने के लिए लड़ती हैं, चुनाव फाइट करती हैं। तो वो क्यों फाइट करती हैं, सरकार बनाने के लिए, क्योंकि हर किसी हर पार्टी को चाहिए पावर। तो डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। ये भी पॉइंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जाता है, और ये डेमोक्रेसी में ऐसा है भी। देयर इज़ नो मॉरेलिटी, कोई भी मॉरेलिटी नहीं है डेमोक्रेसी में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। थर्ड पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, जो लोकतंत्र के खिलाफ जाता है, ये चीज़ लोकतंत्र में होती है। क्या होता है, सो मैनी पीपल, बहुत सारे पीपल होते हैं, हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी, जिसमें लोकतंत्र में बहुत सारे पीपल्स होते हैं जिनसे लोग हमें कंसल्ट करना पड़ता है। जब कंसल्ट होता है, जब उनसे विचार विमर्श किया जाता है, तो इससे डिसीजंस में इट लेड्स टू डिले, इससे डिसीजन निर्णय लेने में देरी होती है। जो डिसीजंस क्यों होने चाहिए थे, जो डिसीजन जल्दी होने चाहिए थे, उनमें भी देर होने लगती है, क्योंकि हमको कंसल्ट करना पड़ता है। ओके, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है, जनता के प्रतिनिधि के तौर पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो आपकी बात, जो आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है। मान लीजिए कोई कंट्री है, उसने अगर हमारे ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, वॉर की सिचुएशन आ गई, तो इमीडिएटली डिसीजन लेने की ये ज़रूरत है कि हम उसके खिलाफ कोई ना कोई रिएक्ट करें। हम उसके खिलाफ या तो हम अपने आप को सेव करेंगे, तो हमारे यहाँ क्या होता है, अगर हमको उस देश के खिलाफ युद्ध करना है, वॉर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंसल्ट करना पड़ेगा लोकसभा में। लोकसभा में बिल पास होगा कि हाँ हमें युद्ध लड़ना है, वहाँ पे कंसल्ट होगा, वहाँ पे बहस चलेगी। तो इस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं डेमोक्रेसी में, कंसल्ट करना पड़ता है। ओके, तो सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी, बहुत सारे लोगों से डेमोक्रेसी में कंसल्ट करना पड़ता है, जिससे डिसीजंस डिले होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है थर्ड पॉइंट भी। फोर्थ पॉइंट क्या है, इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, जो चुने हुए जो नेता होते हैं, वो नहीं जानते हैं कि लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट किस में है, लोगों की भलाई किन चीज़ों में है। ओके, इट लेड टू बैड डिसीजन, इससे गलत निर्णय होते हैं। तो इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जो भी नेता चुने जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि जनता की भलाई के लिए हमें कौन कौन से वर्क करने हैं डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी में लीडर्स को यही नहीं पता होता है, तो इससे गलत निर्णय भी होते रहते हैं। डेमोक्रेसी लेड टू करप्शन, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी लेड टू करप्शन। यहाँ भी बोला जा रहा है कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार होता है, लोकतंत्र में करप्शन बहुत है, फॉर इट बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। और ये क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्टोरल कंपटीशन है। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्टोरल कंपटीशन का मतलब आप समझ रहे हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ इलेक्टोरल कंपटीशन
का यहाँ पे ये मीन्स बताया जा रहा है कि जब भी इलेक्शन हमारे यहाँ होते हैं, मान लीजिए विधानसभा के हों या जनरल इलेक्शन हो यानी लोकसभा के चुनाव हों, तो होता क्या है, जैसे ए बी सी डी ये चार फोर कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन में खड़े हो गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है, कंपटीशन क्या है, फर्स्ट आने की। आप जानते हैं हमारे यहाँ मान लीजिए वोटिंग हुई, टोटल वोट थे 1 लाख, ठीक है, 1 लाख टोटल वोट थे, तो 1 लाख टोटल वोट में मान लीजिए इनको मिल गए 40,000, ठीक है, ए को 40,000 मिल गए, बी को 39,000 मिल गए, कितना हो गया टोटल 79, यानी कितना बचा अभी 21। अब इनको मिल गए 15,000 एंड अदर को मिल गए 6,000। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो इलेक्टोरल कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन कौन विनर हुआ, ए विनर हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्टोरल कंपटीशन है, प्रत्याशी जो भी कैंडिडेट है उसको उसके अपोजिशन में जितने भी कैंडिडेट थे उनसे अगर उसके वोट सर्वाधिक होंगे, उसको सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे, वही इलेक्शन विन होगा। जबकि आप देख रहे हैं 40,000 लोगों ने ए को वोट किया है और 39,000 लोगों ने बी को वोट किया, लेकिन बी फिर भी इलेक्शन लूज कर गया है, इलेक्शन हार गए। सी को 15,000 मिले, अगर आप देखेंगे तो ए को सिर्फ 40,000 लोगों ने स्वीकार किया है, जबकि 60,000 लोगों ने। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सिर्फ 1 लाख में 40,000 लोग ये चाहते हैं कि ए कैंडिडेट इलेक्शन विन करे, जबकि 60,000 लोग, ये जो 60,000 लोग हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि ए कैंडिडेट इलेक्शन को विन करे। ना चाहने वाले लोग ज़्यादा हैं इलेक्टोरल कंपटीशन में कि वो नहीं चाह रहे कि आप इलेक्शन जीत। देख लीजिए इसमें आपको साफ साफ देखिए 60,000 लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये इलेक्शन विन करे, जबकि क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है हमारे यहाँ, जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है उसी को हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि वो इलेक्शन विन हुआ है। तो इससे क्या आता है स्टूडेंट, इससे आता है करप्शन, और आप जानते हैं किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, खूब मनी पावर यूज किया जाता है। ओके, तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। लेट्स फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, और जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो आम जनता होती है, डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, उनको जो भोली भाली जनता होती है हमारे देश की, उसको नहीं पता होता कि उसके लिए कौन से डिसीजंस अच्छे हैं कौन से ख़राब हैं। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वो कोई निर्णय वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो पॉलिटी पढ़ रहा है, जो पॉलिटिक्स में है, जो समाजशास्त्र, जो पॉलिटी, जैसे आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए तो एक एज में जाकर गवर्नमेंट की डिसीजंस को जो आप वो करेंगे, जब उनके डिसीजंस को जांचेंगे, चेक करेंगे, तो आप डिसीजन ले लेंगे कि क्या ये डिसीजन हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन हम मैं उस भोली भाली जनता की बात कर रहा हूँ जो खेतों में काम कर रही है, जो फैक्ट्रियों में हमारा मजदूर है, उसे गवर्नमेंट की बिग पॉलिसी से नहीं पता चलता है कि वो उसके लिए अच्छी है ख़राब है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी पीपल, जो भोली भाली जनता, जो आम नागरिक होते हैं, वो नहीं जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, तो बस वो आप लोग देखते हैं गांव घर में लोग यही बोलते हैं कि ठीक है जो कुछ भी है सरकार कर रही है अच्छा ही होगा। या वो आप लोगों ने सुना होगा कि अब चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बने, कुछ कोई मुख्यमंत्री बने, कोई भी चीफ मिनिस्टर बने, क्या हो जाएगा, हमें तो काम करना है खेतों में, हमें तो मजदूरी करनी है। तो
तो ये हमारे देश की बोली वाली जनता है, उसके स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इलेक्शंस आर कॉस्टली, इलेक्शंस आर कॉस्टली, जो भी इलेक्शंस डेमोक्रेसी में हेल्ड होते हैं, जो भी चुनाव होते हैं, बहुत उसमें खर्च आता है, इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, चुनाव इलेक्शन कमीशन का यानी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा चुनाव में पैसा खर्च होता है। पुअर कंट्रीज़, तो जो भारत जैसे गरीब देश हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो इतने इलेक्शंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स राइट हैं, डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, और बिल्कुल ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में कमियाँ हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप समझ लीजिए, जो हमारा पार्लियामेंट है, टू हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, पर मिनट अगर मैं बात करूँ, पर मिनट 2.5 लाख रुपीज़ चाहिए, यानी 2.5 लाख रुपये प्रति मिनट लगता है खर्च पार्लियामेंट को रनअप करने में। जब सेशन चलता है, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस चलते हैं, तो 2.5 लाख रुपये प्रति मिनट खर्च होता है। तो आप समझिए कितना पैसा हम डेमोक्रेसी के लिए खर्च कर रहे हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र चल रहा है, तो इसके लिए हम कितना पैसा 2.5 लाख रुपये प्रति मिनट खर्च होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये रेज होता है कि फिर क्यों हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करें? कुछ ना कुछ तो क्वालिटी डेमोक्रेसी में होगी, कोई ना कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किए हैं। ये जितनी भी कमियां दिख रही हैं, तो हर चीज में कमियां होती हैं, तो हम इन कमियों के बावजूद क्यों डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किए हैं? तो लेट्स फॉरवर्ड उन चीज़ों को जानते हैं जो डेमोक्रेसी के फेवर में है, और उन्हीं फेवर वाले पॉइंट को लेकर हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किए हैं। लेट्स फॉरवर्ड नाउ स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट। कहा जा रहा है कि एक लोग जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो बेटर गवर्नमेंट होती है, सबसे अच्छी गवर्नमेंट होती है। जो भी कितने भी टाइप्स की इस समय जो मॉडर्न टाइम्स में, मॉडर्न वर्ल्ड में जो भी गवर्नमेंट्स रनअप हो रही हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं डिक्टेटरशिप भी है, मार्शल लॉ भी लगता है, डेमोक्रेसी भी है, एंड कम्युनिस्ट फॉर्म भी होता है गवर्नमेंट का, कि जिसमें एवरीथिंग रिलेटेड टू द गवर्नमेंट होता है, जिसमें मीडिया को, प्रेस को फ्रीडम नहीं होती है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। तो जितने भी टाइप्स की टाइप्स डेमो गवर्नमेंट की हैं वर्ल्ड में, उसमें जो बेस्ट टाइप है गवर्नमेंट का, वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार। इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ये अकाउंटेबल है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार जिम्मेदार होती है, अकाउंटेबल मीन्स होता है जिम्मेदार, और आप जानते हैं जिम्मेदार किसके लिए होगी? जनता के लिए, जिसने इनको चुना है, जनता जिस सरकार को चुनती है, तो वही सरकार अपनी जनता के प्रति जिम्मेदार होती है, उसके प्रति अकाउंटेबल होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अलावा कोई भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, अकाउंटेबल नहीं होती है अपने पीपल्स के लिए, क्योंकि इसमें पीपल्स गवर्नमेंट को खुद बाय द पीपल वाला रूल यहाँ पे लगता है, लोग खुद अपनी सरकार को चुनते हैं, जिसकी वजह से सरकार की भी जवाबदेही जनता के प्रति बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में क्या होता है, अगर कोई डिसीज़न लिया जाता है, तो आपने देखा कि बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, डिले ज़रूर होता है, ठीक है, डिले ज़रूर होगा, लेट ज़रूर होगा, लेकिन जो बहुत मेजर डिसीजंस हैं उसमें जब कंसल्ट होता है, तो इससे क्या होता है, जो डिसीज़न, जो अंतिम निर्णय आता है, वो बहुत ही उसमें
कमी होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई आपको डिसीज़न लेना है, तो आप जब ज़्यादा लोगों से कंसल्ट करोगे, तो उस डिसीज़न को जब आप लोगे, जब कंसल्ट करोगे तो लोगों के अलग अलग ओपिनियन होंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि हमें डिसीज़न किस तरीके से लेना है। तो डेमोक्रेसी में डिसीज़न लेने में डिले तो होता है, ठीक है, लेकिन कुछ डिसीजंस क्यों होने चाहिए वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन हर समय तो वॉर जैसी सिचुएशन कंट्री में है नहीं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट को डिसीज़न लेना होता है। अगर उसमें क्यूब डिसीज़न ले लिए जाएंगे, जल्दी से डिसीज़न ले लिए जाएंगे, तो हो सकता है कि हमारा निर्णय गलत हो जाए। तो डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी से क्या इम्प्रूव होता है, जो भी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय जो लिया जाता है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड, डेमोक्रेसी वो मेथड प्रोवाइड करता है किसी भी कंट्री को, जो जिस कंट्री में बहुत सारे डिफरेंसेस हो, जैसे इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, विभिन्नताएँ बहुत है, ठीक है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, जहाँ पे मैनी रिलीजन्स, मैनी कास्ट, ओके स्टूडेंट्स, कास्ट के अंदर सब कास्ट, तो जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है लोगों के बीच में, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में डिफरेंस होता है, उनके थॉट्स में, उनके थोड़ा कल्चर में डिफरेंस होता है, ठीक है, तो उन डिफरेंसेस को ख़त्म करने का सबसे बेस्ट मेथड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हम कैसे रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं, तो बोलते नहीं अनेकता में एकता, तो अनेकता में एकता का फार्मूला आता है डेमोक्रेसी से, तो बोलते हैं डाइवर्सिटी विथ यूनिटी, या यूनिटी विथ डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता या अनेकता में एकता। तो कितना यहाँ पे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि सब डिफरेंस होने के बावजूद हम एक होकर रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो भी हमारे होते हैं, जो भी झगड़े हमारे बीच में होते रहते हैं, तो उनको, उन झगड़ों को, उन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है डेमोक्रेसी। तो जिस भी कंट्री में डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पे उस कंट्री के लिए सबसे बेटर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी इन्हेंस करती है, इन्हेंस मतलब इन्हेंस करती है, उस बढ़ाती है क्या, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, लोगों का गौरव बढ़ाती है, लोगों का मान सम्मान बढ़ाती है। डेमोक्रेसी इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, लोगों के गौरव बढ़ता है, लोगों का मान सम्मान बढ़ता है डेमोक्रेसी में। ये कैसे बढ़ता है, मान सम्मान तो बढ़ता ही है, आप वोटर हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, आप खुद सरकार को चुनते हैं, तो सरकार आपकी, गवर्नमेंट आपकी रिस्पेक्ट करती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी में अगर कोई गलती हो भी गई है, कोई मिस्टेक हो भी गई है, तो हम अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कोई डिसीज़न गलत हो भी गया है, तो डेमोक्रेसी में उस डिसीज़न को हम ठीक भी कर सकते हैं, इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट इन कंपेरिजन देन अदर गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छी गवर्नमेंट है दूसरी गवर्नमेंट से। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स फॉरवर्ड नाउ। सो स्टूडेंट्स, हमारे टू टॉपिक आज की क्लास के कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट देखे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट देखे और डेमोक्रेसी के फेवर में आर्ग्यूमेंट देखे, और लास्ट में रिजल्ट क्या हमको गेट हुआ कि डेमोक्रेसी ही बेटर गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें पावर पीपल्स के पास है, लोगों की डिग्निटी को इन्हेंस करती है गवर्नमेंट,
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट्स, इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही बेटर गवर्नमेंट है। अब हम लोगों ने फॉर्म कौन सा अपनाया हुआ है डेमोक्रेसी का, कौन सा रूप हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया हुआ है। देखते हैं, द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन अवर टाइम्स इज दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इन आवर टाइम्स, ये जो टाइम चल रहा है वर्तमान समय में, सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म डेमोक्रेसी का क्या है, जो जो भी कंट्रीज जो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रही हैं वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रही हैं, ये सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी है। ओके स्टूडेंट्स, ये कॉमन फॉर्म है दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स। हमारे वर्तमान समय में जो भी कंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रही है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। देखिए, ए मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस, ए मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल, ए मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। कुछ लोग होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं किसके बिहाफ पर, लोगों के बिहाफ पर। ठीक है, यानी जनता के बिहाफ पर, पीपल्स के बिहाफ पर डिसीजन टेक किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप उनका कमेंट करके नाम बताएंगे कि फर्रुखाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, आपके रिप्रेजेंटेटिव कौन है, हु इज़ योर रिप्रेजेंटेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो कमेंट सेक्शन में आप डिस्कशन चलेगा तो आप उसका आंसर देंगे कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है। आपको क्लास 8 में मैंने बताया हुआ है कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है फर्रुखाबाद से, तो आप उनका नेम बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, आप जानते हैं कि जो मेजॉरिटी होती है वो डायरेक्ट रूल नहीं करती है। ओके स्टूडेंट्स, इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, द मेजॉरिटी रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो मेजॉरिटी होती है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा शासन करती है, यानी हम लोग जो होते हैं हम ही लोगों का शासन है। रूल किसका है, जनता जनार्दन का है, पीपल्स का रूल है, लेकिन हम लोग खुद शासन नहीं करते हैं। हम लोगों ने दूसरों को शासन करने के लिए दे दिया है, ऐसे बिल्कुल किंग वाली फीलिंग आती है, राजा वाली फीलिंग। राजा क्या करता है, खुद काम नहीं करता है। ठीक है, ये काम आप कर लो, ये मैंने आपको अपॉइंट कर दिया है, ये वर्क होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी में जो जनता है उसकी जो पोजीशन है वो राजा वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं हमने उनको अपने बिहाफ पर वहाँ पर पार्लियामेंट में भेजा हुआ है जहाँ पे डिसीजंस वो देते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो मेजॉरिटी रूल है, रूल हमारा ही है, लेकिन हम रूल किसके द्वारा करते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। अगर वो हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम उनको नेक्स्ट इलेक्शन में रिमूव कर देते हैं। दैट्स नेक्स्ट स्टूडेंट्स फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही क्यों अडॉप्ट। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ अ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इट इज़ फिजिकली, तो बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व होते हैं, यानी वोटर्स, जितने भी वोटर्स होते हैं वो सब डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, ये बिल्कुल सही बात है, बट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर, लेकिन सबका साथ में बैठना इम्पॉसिबल है। अब अगर गवर्नमेंट ये चाहे कि पूरी जितने भी देश की जनता है उसको एक साथ बैठा कर हम कोई डिसीजन लें, तो बताइए पॉसिबल है कि 125 करोड़ लोग हैं उनको किसी जगह बुलाया जाए
और फिर उनसे पूछा जाए कि ये डिसीज़न लेना है। अब उनमें से कोई दो चार खड़े कह दें कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो फिर उनकी बात को मानना पड़ेगा, फिर वहाँ पे कंसल्ट होने लगेगा, 125 को बैठा लेंगे कहाँ, तो हाउ इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन सीट टुगेदर, पहली बात तो बैठा नहीं सकते। अगर आपने बैठान भी लिया, हमने मान लिया कि आपने सीट कर लिया, बैठा भी लिया, तो डिसीजंस कलेक्टिव डिसीजंस आएंगे कहाँ से? ओके स्टूडेंट्स, एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजंस स्टूडेंट्स, तो एक कलेक्टिव डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम, पहली बात तो उनको सीट टुगेदर करने में प्रॉब्लम, एक जगह बैठाने में प्रॉब्लम फिजिकली रूप से। सो स्टूडेंट्स, इवन इफ दे कुड अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, अगर हम कहते हैं तो कुछ नागरिकों के पास समय नहीं होगा, वो आएंगे नहीं, जब तक वो आएंगे नहीं तो कोई डिसीजन नहीं होगा। द डिज़ायर आर द स्किल्स, जो लोगों की इच्छाएँ होती हैं, जो क्षमताएँ होती हैं, टेक पार्ट इन ऑल डिसीजन, सारी चीज़ें डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसलिए हमने वाई रिप्रेजेंटेटिव, इसीलिए हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अडॉप्ट करेंगे, कि जो पीपल्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे, जनता अपनी तरफ से जनप्रतिनिधियों को चुनेगी, और वो लोग जनता की तरफ से फिजिकली एक जगह सीट होकर एक जगह बैठकर डिसीजंस लेंगे। वो जगह क्या है, उस जगह का क्या नाम है, उस जगह का नाम बेटा है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत का संसद भवन, जहाँ पे हमारे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स फिजिकली रूप से प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर बैठते हैं और एक डिसीजन लेते हैं कंट्री के लिए, और किसके बिहाफ पर लेते हैं, लोगों के बिहाफ पर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, हम लोग 125 को लोग नहीं बैठ पाते, लेकिन आजकल मॉडर्न डेमोक्रेसीज में आज जो हमारी जन सरकार है वो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे प्लेटफॉर्म लोगों के लिए अवेलेबल कराएगी जनता के लिए। जैसे मन की बात प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है, तो मन की बात में क्या होता है, मन की बात जब भी रिलीज होने वाला होता है उससे पहले लोगों से विचार मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि किस तरीके से वर्क होना चाहिए, तो फिर वही प्रधानमंत्री मन की बात में बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मन ऐसे प्लेटफॉर्म डेमोक्रेसी में लोगों के लिए अवेलेबल कराए जाते हैं कि लोगों के पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर पार्लियामेंट, देखिए यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए और हमारे बिहाफ पर, वोटर्स के बिहाफ पर डिसीजंस ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पार्लियामेंट हाउस में क्या पूरे देश की जनता आ सकती है, क्या उसका फिजिकली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है, दैट इज़ इम्पॉसिबल। सो इसलिए हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड नाउ। सो स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी वर्ल्ड ऑफ डेली लाइफ, डेमोक्रेसी एक वर्ल्ड सिर्फ गवर्नमेंट के लिए यूज़ नहीं होता है, मॉडर्न डेज टाइम में डेली लाइफ के लिए भी एक वर्ल्ड यूज़ होने लगा है। देखिए जैसे लोग स्टेटमेंट देते हैं, वी आर वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, हमारा बड़ा लोकतांत्रिक परिवार है, वेन एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन, जहाँ पर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, वेन एवर डिसीजंस हैव टू बी टेकन, वी ऑल सिट डाउन, हम सभी लोग परिवार में बैठते हैं साथ में, एंड अराइव एट अ कॉन्सेंस, और किसी अंतिम निर्णय पर पहुँचते हैं, एंड माई ओपिनियन मैटर्स एज सच एज मच एज माई फादर, और मेरा भी जो विचार होता है, मेरा भी जो ओपिनियन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, जिस तरीके से मेरे पिताजी का विचार मायने रखता है उस डिसीजन में। तो लोग अब डेमोक्रेसी वर्ड को डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी यूज़ होता है कि अवर ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी डेमोक्रेटिक, हमारा जो संगठन है बहुत डेमोक्रेटिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर डिसाइड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, और स्टूडेंट्स सारी पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो बहुत ही डेमोक्रेटिक पार्टी है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता
दिखता नहीं। अधिकतर हमारे देश में जितनी भी पार्टीज है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टीज है, तो हर पार्टीज़ में आप देखेंगे कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बातों को या वही पार्टी के सारे डिसीजंस को लेता है। तो वन लीडर एंड हिज फैमिली, एक नेता या उसके परिवार के सदस्य डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, अपनी पार्टी में डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। जैसे कांग्रेस होगी, कांग्रेस में मिसेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके परिवार के लोग डिसाइड करते हैं कांग्रेस पार्टी में क्या होगा। एज एग्जाम्पल जैसे समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी का परिवार, उनके बेटे अखिलेश यादव इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, तो एक ही परिवार के लोग डिसाइड कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर क्या होना है। बहुजन समाजवादी BSP की बात करें तो मायावती पार्टी में डिसाइड कर रही, वही पूरे सर्वे सर्वा हैं, पूरी पार्टी की चीफ हैं, तो वही डिसाइड कर रहे हैं कि पार्टी के लिए क्या होगा। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे पार्टीज़ के एग्ज़ाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो कैसे डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं जिनके खुद ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेसी नहीं है। तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने इंटरनल सिस्टम में भी डेमोक्रेसी को लाना चाहिए पूरी तरीके से। वो कहते तो हैं कि आवर पार्टी इज़ वेरी डेमोक्रेटिक पार्टी, लेकिन ऐसा एक्चुअली में है नहीं रियल में। सो स्टूडेंट लेट्स फॉरवर्ड नाउ। सो स्टूडेंट्स, अब चैप्टर फर्स्ट के लास्ट टॉपिक पे अब हम लोग डिस्कशन करते हुए पहुंच चुके हैं। आज आपका चैप्टर एंड हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो गोल्स से डेमोक्रेसी मस्ट एम, डेमोक्रेसी के गोल्स क्या हो सकते हैं, लक्ष्य क्या हो सकते हैं जो होने चाहिए। तो डेमोक्रेसी वर्ल्ड इज समटाइम यू टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड, अब डेमोक्रेसी वर्ल्ड के कुछ स्टैंडर्ड हो गए हैं कि डेमोक्रेसी अगर आपके यहाँ है तो इस स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ तो लोगों को मिलनी चाहिए, तो स्टैंडर्ड तो है ही डेमोक्रेसी का। मस्ट एम टू बिकम, देखते हैं क्या कहने की। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री, कह रहे हैं कि सच्चा लोकतंत्र उसी देश में है। ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड, कि किसी देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। किसी का ये मानना है कि किसी देश में लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र वही है कि कोई भी देश का नागरिक भूखा ना सोए, तो ये ट्रू डेमोक्रेसी हो गई। ये एक स्टैंडर्ड हो गया डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी में एटलीस्ट लोग भूखे तो ना सोए। लेकिन आप जानते हैं ऐसा नहीं है, कोई भी कंट्री के में ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां हैं। हाँ, गवर्नमेंट अपने पूरे इफॉल्ट कर रही है, आप देख रहे किस तरीके से हम लोगों को लॉकडाउन में राशन वगैरह फ्री में मिल रहा है और खूब मिल रहा है। सरकार का पूरा प्रयास है कोई भी भूखा ना सोए, और सरकार के स्टेटमेंट भी पार्डे के आप न्यूज़ एनालिसिस में देखेंगे तो गवर्नमेंट यही कहती है कि देश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा इस कठिन दौर में भी। तो गवर्नमेंट ये दिखा रही कि डेमोक्रेसी है देश में, और हम ट्रू डेमोक्रेसी की बात करें, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई टेंशन ना ले। मजदूरों को उनके घरों पर पहुँचाया जा रहा है बाई ट्रेन के द्वारा, वो बात अलग है कि किराए का मुद्दा का लुट गया तो अपोजिशन ने भी उसको उठाया, ठीक किया। तो ट्रू डेमोक्रेसी विल, और ये जो ट्रेन का जो डिसीजन था, स्टूडेंट कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में डिले हुआ। अब ये डिले क्यों हुआ, कंसल्ट करना, वो कंसल्ट हुआ होगा फिर डिले हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री, तो कहना है कि ट्रू डेमोक्रेसी, सच्चा लोकतंत्र देश में उसी दिन आएगा जब देश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। That's why students in making every citizen must be able to play equal role in decision making. कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में हर नागरिक, एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल, उसका रोल इक्वल होगा डिसीजन मेकिंग में। ओके, फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट, फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट, एवरी नीड टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन। कह रहे हैं कि सिर्फ राइट टू वोट से सिर्फ आपको वोट देने का अधिकार मिल गया, हमारे पास वोट देने का अधिकार है, तो केवल इस राइट के बेस पर ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी सबसे अच्छा है क्योंकि हमको वोट डालने का राइट मिल गया है। तो सिर्फ वोट डालने से ही आप ये नहीं मान लेंगे कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है और आप खुश हो जाएंगे। हमारे एम और भी हो सकते हैं, क्या एम हो सकते हैं, देश का नागरिक और क्या अपेक्षाएँ कर सकता है सरकार से,
एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, उसको इक्वल इंफॉर्मेशन सरकार के कार्यों की मिलती रहनी चाहिए, उसको लगातार जानकारी प्राप्त करने का राइट है। बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए बच्चों के लिए, ये भी ट्रू डेमोक्रेसी का पार्ट है। डेमोक्रेसी में सिर्फ वोट का राइट लोगों को, जनता को मिल गया तो डेमोक्रेसी नहीं शुरू हो गई। ये सारी फीचर्स डेमोक्रेसी के, ये एम होने चाहिए डेमोक्रेसी के कि बेसिक एजुकेशन हो, इक्वल रिसोर्स हो, इक्वल रिसोर्स यानी जो भी संसाधन देश के हों वो लोगों के बीच में बराबर पार्टिसिपेट हो, उन लोगों के बीच में बराबर डिवाइड हो, इक्वल डिवाइड हो, एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट, और भी लॉट बहुत सारे कमिटमेंट होने चाहिए जो डेमोक्रेसी में होते हैं। तो इसी डिस्कशन के साथ स्टूडेंट्स, आपका ये फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी पॉलिटिकल